नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। आज हम झारखंड की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करने आए हैं और वो टॉपिक्स है बोकारो स्टील प्लांट। क्या टॉपिक्स का नाम है भाई? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, परीक्षा में बार बार यहां से क्वेश्चन रहता है। तो आज हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं? बोकारो स्टील प्लांट पर। क्लियर है भाई? तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो आपका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या आंसर होगा भाई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? आपका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्लियर है भाई? तो ध्यान देना है हम लोग को। अब यहीं पर एक बात और है कि तीन महत्वपूर्ण स्टील प्लांट की नींव दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत रखा गया था। तो तीन दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, दूसरी के तहत कहां कहां स्थापित किया गया था? तो एक था भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो भिलाई स्टील प्लांट है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आंसर होगा सोवियत संघ। क्या आंसर होगा भाई? सोवियत संघ। दूसरा जो स्थापित किया गया वह दुर्गापुर में। कहां भाई? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल किस देश की सहायता से? तो ब्रिटेन की सहायता से। और तीसरा जो स्थापित किया गया वो राउरकेला। राउरकेला कहां है भाई? तो ओडिशा। ओडिशा किस देश के सहयोग से? तो पश्चिम जर्मनी के सहयोग से। क्लियर है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में तीन स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन कौन भाई? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़। किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला ओडिशा में है, किसके सहयोग से? आंसर होगा पश्चिम जर्मनी के सहयोग से। क्लियर है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पूछेगा किस देश के सहयोग से? आंसर होगा सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। तो ये ध्यान देना है हम लोगों को, ये चार स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से और किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। तो अगला जो है वो ये है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1964 कब स्थापित की गई थी? 1964। और उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? उत्पादन प्रारंभ 1974। उत्पादन कब प्रारंभ हुआ भाई? 1974। तो बोकारो स्टील प्लांट की नींव कब रखी गई? 1964। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तीसरी के तहत। उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1974। किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से भाई? सोवियत संघ के सहयोग से। क्लियर है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन ध्यान देना है हम लोग को कि ये जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी पहले किस स्थान पर की गई थी? वही स्थान विकसित रूप में बोकारो के रूप में हम लोगों के सामने है। तो ये जो स्टील प्लांट है ये कहां स्थापित की गई थी? तो स्थान का नाम है माराफारी।
क्या नाम है भाई? माराफारी। तो माराफारी नामक स्थान पर बोकारो स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी और यही माराफारी आज विकसित रूप में बोकारो के रूप में हम लोगों के सामने है। तो किस स्थान पर बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? आंसर होगा माराफारी। क्लियर है? अब है कि ये जो हमारा स्टील प्लांट है ये भारत की चौथी बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है। भारत की चौथी बड़ी इस्पात कंपनी है, चौथी बड़ी इस्पात कंपनी है। तो भारत की चौथी बड़ी इस्पात कंपनी है बोकारो स्टील प्लांट। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का कि ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, किसके तहत कार्य करता है? तो ये जो है सेल के तहत कार्य करता है। सेल के तहत, किसके अंतर्गत भाई? सेल के अंतर्गत कार्य करता है। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बोकारो स्टील प्लांट किसके तहत कार्य करती है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेल के अंतर्गत। अब यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल के अंतर्गत वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितनी इस्पात उत्पादक कंपनियां कार्यरत हैं? आंसर होगा 9। कितने भाई? 9। तो 9 सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट सेल के तहत कार्य करते हैं। कई बार आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की स्थापना कब हुई थी? तो सेल की स्थापना 1974 में हुई थी। कब भाई? 1974। क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए, यह ध्यान देने की बात है। अब एक क्वेश्चन है कि इस स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला कहां से प्राप्त होती है? कोकिंग कोयला कहां से प्राप्त होती है? तो बहुत मशहूर है झरिया से। कहां से भाई? झरिया से। तो अगर पूछे कि बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला कहां से प्राप्त होता है, आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा झरिया धनवाद। क्लियर है? झरिया धनवाद। अब है लौह अयस्क कहां से प्राप्त होती है? लौह अयस्क प्राप्त होती है क्योंझर की खान से। कहां से भाई? क्योंझर की खान से। क्लियर? तो लौह अयस्क कहां से प्राप्त होती है? क्योंझर की खान से। कहां से? क्योंझर की खान से। चलिए, चूना पत्थर कहां से प्राप्त होती है? चूना पत्थर बोकारो स्टील प्लांट को कहां से प्राप्त होती है? यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। इसका आंसर होगा वीर मित्रापुर प्लस भवनाथपुर से। तो भाई, अगर आप लोग से पूछे कि कोकिंग कोयला कहां से प्राप्त होता है, आंसर होगा झरिया से। लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? क्योंझर की खान से। चूना पत्थर तो वीर मित्रापुर और भवनाथपुर से प्राप्त होता है। क्लियर है? अब है कि डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है? डोलोमाइट इस स्टील प्लांट को डोलोमाइट कौन भाई? डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा पलामू प्रमंडल से। किस प्रमंडल से भाई? पलामू प्रमंडल से। क्लियर है? अब है कि इसको जल कहां से प्राप्त होती है? तो बोकारो नदी से। किस नदी से भाई? बोकारो नदी से। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट कहां से प्राप्त होता है? तो आप लोग बताएंगे कहां से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन इसमें आप लोग से पूछ सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट में किस चीज का उत्पादन होता है? उत्पादन यहां किस किस चीज का होता है? तो ध्यान रखना है हम लोग को, उत्पादन किस किस चीज का होता है? तो आंसर होगा फिश प्लेट। फिश प्लेट किस चीज का उत्पादन होता है भाई?
फिश प्लेट, दूसरा है गर्डर, दूसरा क्या चीज है गर्डर, तीसरा है एंगल एंगल, चौथा है पाइप। फिश प्लेट, गर्डर, एंगल, पाइप, छड़े एवं इस्पात की चादरें, इस्पात की चादरें। तो बोकारो स्टील प्लांट से क्या क्या चीज उत्पादित होता है, आंसर क्या होगा, फिश प्लेट, गर्डर, एंगल, पाइप, छड़े एवं इस्पात की चादरें। तो इस तरह से बोकारो स्टील सिटी से या बोकारो स्टील प्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वह हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है कि यह आपके लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा, और अगर लगता है कि मेरा प्रयास आप लोगों के लिए सही दिशा में हो रहा है और आपको इससे कुछ मदद मिलने वाली है, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अपने 5 फ्रेंड में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, क्योंकि इससे आपको हर मेरे वीडियो का जो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।